So yo guys, welcome back to the another video guys. हम आ चुके हैं कर another Roblox की वीडियो में. I know बहुत दिनों से नहीं आ रही थी वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन आज से डेली वीडियो आने वाली है. अरे भाई ये कौन है? छोटा भाई, ये नाना है भाई, ये बहुत ही बड़ा डॉन लगते है. देखो इसके अंदर से आग निकल रही है. अरे आग निकले या कुछ भी निकले, हम किसी से डरने टोने वाले है समझा. और मेरे पास तो पेट्स भी है. गाइस यहाँ पे देखो, बेसिकली हम सब लोगों को शॉपिंग करनी है बहुत सारे शॉर्ट्स की, बहुत सारे एनर्जीज की, और उन्हें बेच के बहुत सारे पैसे मिलने वाले. अब देखो मेरे को कितने मिलते हैं. अरे भाई 2 मिलियन मिल गए. और उसे काम करो, जेनेटिक्स ले लो, इससे अपनी बहुत सारी डीएनए चेंज हो जाएंगे और अब बहुत ही बढ़िया वॉरियर बन जाओगे. हाँ गाइस, इसी गेम में इतना ही करना है, क्योंकि यार इसके शॉर्ट तो देखो ना कितनी ओपी ओपी है. मेरे पैसे तो ऐसे ही बढ़ रहे भाई, 29 मिलियन स्टार्टिंग में ही. छोटा भाई 29 मिलियन स्टार्टिंग में हो गई तो मेरा आगे जाके अब तो बहुत ही प्रो बनने वाले हो. अरे घंटा प्रो बनने का नूबी रहेगा ये बेवकूफ. अरे चुप हो जा यार. अब गाइस यहाँ पे शॉप करता हूँ और देखता हूँ हमें क्या क्या मिलता है. अरे भाई ये वाले शॉर्ट तो बहुत ही बच्चे है, इससे भी बढ़िया शॉप में हमें बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे शॉर्ट के साथ ही काम करा लेते. अरे क्या कहा, बच्ची शॉर्ट, ये बच्ची शॉर्ट दिखती है क्या? एक झटके में आगे वाले को भून देगी समझे. सही कह रहा है. ओए बच्चे कहाँ पे भाई, कि क्या है भाई ये मुझे मार रहा है हथौड़े से? ये तो थोर का हथौड़ा लगता है ना. हाँ सही कहा, थोर का हथौड़ा है. अब अपन भी थोर का हथौड़ा ले या ना ले, लेकिन यार ये देखो सामने मॉन्स्टर. यो आपको तो पता है गाइस मॉन्स्टर का हम कीमा बनाते, लेकिन याद रखो उसके पास थोर का हैमर है भाई, एक ही पंच मार देगा आपको उड़ा देगा समझे. कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, अब इसकी वाट लगने वाली है. ओ ये ब्रो, अरे कितने सारे लोग इसको मार रहे भाई, इतने बड़े मॉन्स्टर को. सबसे बड़ा मॉन्स्टर तो तू है, बेवकूफ शक्ल देखी अपनी. हाँ देखता हूँ, रोज देखता हूँ. देखने के बाद क्या करता है? और क्या उल्टी करते होंगे और उसके बाद नहा लेते होंगे. अरे ऐसा मत बोलो छोटा भाई, अब बहुत हो गया, बहुत सहेली, अब इसकी तो वाट लगनी चाहिए. सही कह रहा है, अब छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को. मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है भाई, ये मर क्यों नहीं रहा? मरना बेवकूफ, मेरी नाक मत कटा भाई. छोटा भाई आपको नाक है क्या? आई थिंक Roblox में ना 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 नाक नहीं होती ना. अरे हाँ गाइस कमेंट में बताओ, Roblox के अंदर नाक होती है क्या? नहीं. छोटा भाई मुझे पता है, इतनी अकल मेरे घुटने में, उसको मैं बाहर निकल के याद करता हूँ. हाँ भाई नाक नहीं होती है. सही जवाब. एक काम करो, जल्दी से जल्दी जाओ और स्किल को अपग्रेड करो. ये देखो स्किल जितनी अपग्रेड करोगे उतने जंप्स मार पाओगे और इसी से भाई बॉस हिट्स कर पाएंगे. हाँ मैंने बॉस को हिट करने के लिए भाई ग्लव्स ले लिए, मेरे ग्लव्स के अंदर तो एनर्जी निकल रही है. अरे ये क्या भाई, मैं ये क्या सेटिंग में क्या गड़बड़ हो गई? कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चलो. अरे यार क्यों? छोटा भाई आप एक ही सेटिंग पे काम किया करो यार, ऐसे अलग मत करो. आप प्रो यार, प्रो प्लेयर, आपकी सेटिंग कंप्लीट होनी चाहिए. सही कह रहा है यार. कैसी होगी नूब, 100 साल में एक बार खेलते तो सेटिंग हिली जाएगी ना. अरे हाँ सेटिंग हिली जाएगी, कोई बात नहीं. आपका भाई Roblox की हॉबी में और ऐसी बहुत सारी गेम में प्रो है गाइस. स्टीफन है सब पे लिख दो. यो हम ऊपर आ गए और भाई ऊपर तो बहुत ही सारा पैसों का मामला लगता है गाइस, और ऊपर जाएंगे और बहुत सारा पैसा लेंगे. पहला आइसलैंड ये रहा, मुझे लगता है नहीं मौके पर गिर गया. बम 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 लग गई भाई. छोटा भाई कोई बात नहीं, बम को लग गई तो आपको सीखने में मिला ना. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत सारे चेस्ट है, आपका रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी क्लेम करो, उसके बाद 14 मिनट के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा. ये क्या, ये तो मैजिक फॉरेस्ट है, यहाँ पे जादू वादू तो मिलता है क्या? ओ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है भाई? ओ बिग पैंट प्रो बिग पैंट, मैं आपके साथ खेलूंगा. ओके चलो नीचे चलते हैं. छोटा भाई नीचे क्यों आ गए भाई, ऊपर जाना था यार, अपने को ऊपर चलो यार. सही कह रहा है, चलो लेट्स गो. मैं बहुत ही खतरनाक वॉरियर बन चुका हूँ, लेकिन यार मैंने अंडा तो ऊपर नहीं किया, क्योंकि अंडा तो फंडा है ना भाई. अरे इसको अंडा इतना पसंद क्यों भाई? अरे क्योंकि अंडे में प्रोटीन होता है, पता है आपको, और उसे खाने से हम बहुत ही सेहतमंद रहते हैं. ये देखो अंडे के अंदर से कितनी सारी मुर्गियां निकल गई, और इसी मुर्गियों के साथ अभिदा बड़े विशाल का जादूगर को, यानी मैजिकल चोमू बाबा को मारने वाले. चोमू बाबा, ये चोमू बाबा है. अरे डर तो क्यों भाई वो? अरे ये बहुत ही गंदी पाद मारते पता है. क्या कर रहा है, मैं इसके पिछवाड़े में हुआ चार चार लेकिन यार मैंने इसको पहले दिया है. यस आपका भाई प्रो था, प्रो है, प्रो रहेगा. और 71 मिलियन डायमंड्स मिल गए. और अब एक काम करो जल्दी जाओ यार, ऊपर बहुत सारा आइसलैंड को अनलॉक करना है. और अनलॉक करने के बाद आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इतने पैसे कि आप टॉप पे ही रहने वाले हैं. हाँ सही कह रहे हैं. वैसे यहाँ पे शॉप के अंदर जाने का क्या फायदा, वैसे सब कुछ तो ले लिया है. अरे हाँ छोटा भाई स्किल परचेस की क्या, स्किल को एक बार परचेस करके देखो यार, कुछ रह गया तो नहीं ना. अरे हाँ यहाँ पे एक बार चेक करते हैं. अरे भाई बहुत कुछ रह गया था. ओके सारा का सारा माल पानी अपन ने परचेस कर लिया, और इसको भी परचेस करते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बहुत ही ज्यादा जम मार पाएंगे. और उसी के साथ आपको मिलती है
टोटल 9 जॉब्स। और शॉप के अंदर तो बहुत कुछ रह गया होगा क्योंकि अपने पास बहुत पैसे हैं। सारे के सारे सेट ओपन कर लोगे जिसके पता लाइट ढक दो क्योंकि आपका भाई अमीर बन चुका है। 2 रुपया कमाने लिया और मनुष्य अपने आप को अमीर बोलता है। अमीर की स्पेलिंग पता है क्या? अमीर की स्पेलिंग OPQR MIR कमीर। भाई रहने दो यार, आप अंग्रेजी मत जाड़ो यार। इस बॉब को बोलो ना कोई तो मेरे को अंग्रेजी नहीं हिंदी में पूछो। ऐसी बातें तो अमीर को हिंदी में क्या बोलते है? अमीर को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटा भाई याद करो गाइस क्या बोलते है? समझ नहीं आ रहा यार क्या बोलते है। यहाँ पे तो पायरेट्स है, पहले पायरेट्स को मार दो, उसके पास पैसा बहुत होगा। और यहाँ पे तो पायरेट्स का अंडा भी है, उसके पास टोपी लगी हुई है। देखो चलो देखते है गाइस पायरेट्स के अंडे के अंदर। देखो पिंक पांडा मिल गया, लेट्स गो एक और ट्राई करते हैं। इस बार लगता है बहुत ही अच्छा पायरेट्स मिलने वाला है। और ये क्या, ये तो टाइगर मिल गया। मेरे को टाइगर पसंद है भाई। हाँ तो तेरे को क्या पसंद है? और क्या मुर्गी पसंद है? आप दोगे क्या मेरे को? नहीं ना यार गाइस, यहाँ पे कितना सारे पेड़ है, इतना पेड़ लेके मैं क्या करूंगा गाइस? मेरे पास एक बहुत बड़ी आईडिया, काम करता हूँ सारे को अनइक्विप कर लेता हूँ। दोबारा अनइक्विप करने के बाद आपको पैसा नहीं मिलने लगा। देखो यार कैसे मनुष्य मेरी बात करते हैं। आ चौप, ओके कोई बात नहीं, रो मत। वैसे गाइस यहाँ पे देखो टॉप चार्ट पे मैं सेकंड नंबर के आया हूँ। इसको मारने के बाद पक्का हूँ पहले पे जाने वाला हूँ मैं। लेकिन इसे मारना इतना इम्पोर्टेंट है की अगर इसे मारा नहीं तो ये आपको मार देगा। और उसके बाद आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। और भाई क्या क्या कह रहा है भाई, पहले से स्टार्ट करना मतलब पहले से मेरे को एक एक शॉट परचेस करनी पड़ेगी? अरे हो शूटर भाई यही गेम का रूल है, अब मारो या मारो। ओके मारूंगा, टकले के मारता हूं भाई। पायरेट्स की टोपी निकाल दे, मेरे को इसकी टोपी चाहिए भाई, इसको टोपी पहनाने वाला हूं मैं। और चलो मैं जाता हूं, थोड़ा सा घूम के आता हूं क्योंकि आप तो मार नहीं पाओगे। गाइस उससे पहले एक शॉट ले लेता हूं क्योंकि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पैसा कम है यार। शूटर भाई उसे मारने के लिए आपको चाहिए 5,00,000,000,000,000 पैसा। और वो इसके पास है ही नहीं, कितने डॉलर्स होते बता? डॉलर्स यानी 2-0 होते। शूटर भाई छोड़ दो, आप उसको मारना बंद कर दो। अरे एक बात सुनो ना, मैं बोलता हूं हमें ना ऊपर जाएंगे, बहुत सारे आइसलैंड का अनलॉक करेंगे। वैसे मैं बहुत ऊपर जा चुका था लेकिन कोई बात नहीं, तू बोल रहा है तो एक और आइसलैंड अनलॉक ही कर देते। ओके 3-2-1 लेट्स गो। ये सब बोलते भाई डबल जंप। और गाइस मैंने फाइनली अगला फॉरेस्ट अनलॉक कर दिया। और यहाँ पे तो भाई डायमंड की चेस्ट है। ये किसके लिए लेके गया, कौन चुरा के लेके गया भाई? शूटर भाई जो भी चुरा के लेके गया यार हम उसका बदला जरूर लेंगे। ओके मैं यहाँ पे लॉबी में देखता हूँ कोने कोई नहीं है भाई यहाँ पे। और तो यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है जो कि आइस के अंदर रहता होगा, हम उसे मार के बहुत सारा पैसा ले पाएंगे। हाँ देखे तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अंडा परचेज करेंगे। अंडा को बाद में परचेज करेंगे क्योंकि वो क्वाड्रिलियन का मेरे पास ट्रिलियन है भाई। छोटे भाई क्वाड्रिलियन हुआ ट्रिलियन, अपने पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो बंदा कहाँ पे जिसे मार के हम टॉप पे जाने वाले? दिख ही नहीं रहा कहाँ पे, वेयर इज ब्रो? ओके मुझे दिख गया, क्या गाइस आपको दिखा या नहीं दिखा मुझे नहीं पता लेकिन अंदर तो है। उस समय पहनने वाला हूँ भाई, मेरे पास पावर्स बहुत है। छोटे भाई इसे पहनना इज इम्पॉसिबल क्योंकि यार इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और इसके पास थोर का हथौड़ा और इसके साथ विजन का आर्मर भी है। क्या इसे मार पाओगे क्या? गाइस एक काम करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट ठोक दो क्योंकि इसको 500 साल लगने वाले इसे मारने के लिए। हाँ गाइस वैसे तो मेरे हाथों से नहीं मरने वाला, मैं ट्राई करता हूँ। क्या भाई मारना मत, मारना मत। अरे छोटू भाई नहीं मरने वाला यार, क्या कर रहे हो? अरे ट्राई कर रहा हूँ। और जो ट्राई करता है वो हर बार जीतता है, पता है ना आपको छोटू भाई? ट्राई पे डोंट क्राई। क्या डोंट क्राई, क्राई करने का इम्पोर्टेंट दिया ही नहीं भाई, मेरे को सीधा पेल दिया। छोटू भाई यार आज के लिए इतना रखो, एक बार चेक करो शॉप के अंदर क्या है। हाँ सही कह रहा है गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि यार वैसे मैंने सारे के सारे शॉट ले लिए, देखो कितने मैक्सिमम और मेरे हाथ देखो कितने प्यारे हैं। और आप चाहते हो इसका पार्ट 2 ले तो जल्दी कमेंट बोल दो, हम मिलेंगे कौन दूर से, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।